हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये टॉपिक हमारा टाइप ऑफ जॉइंट्स इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और कहाँ दिए जाते हैं, वो किस पर्पस के दिए जाते हैं और क्या इनका मेन फंक्शन रहता है, ठीक है। तो देखिए, चार मेन कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हैं कॉन्क्रीट के अंदर में। वैसे ये दो मेन हैं, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन, ये दो मेन है, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा दो और होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, आइसोलेशन जॉइंट्स। तो एक एक करके हम इनको जो है डिफाइन करेंगे, एक एक करके बताएंगे किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर प्लेस इन ए कॉन्क्रीट स्लैब। जो हमारी स्लैब होती है उसमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट दिया जाता है, ठीक है। क्यों दिया जाता है? टू डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल प्लेसमेंट। मान लो कि हमारी कोई लंबी स्लैब है, ये हमारी कोई स्लैब है, ठीक है। अब इस स्लैब को हम एक बार में, हमारा सपोज दैट एरिया है 100 मीटर, भाई 60 मीटर। तो इस स्लैब को ना तो हम एक बार में तैयार कर सकते हैं और ना ही एक बार में कास्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बीच बीच में एक पैनल टाइप को बना के यहां पर हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक बार हो जाती है तो ये प्री डिफाइंड होता है, पहले से पता होता है हमें कि हमें कहाँ देना है, ये हमें मालूम होता है। तो वहीं पर हम जॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है। टू डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल प्लेसमेंट जनरली इन कंफॉर्मिटी विद ए प्री डिटरमाइंड जॉइंट लेआउट। ये एकदम सीधा होना चाहिए, इसका लेआउट पहले से ही होना चाहिए कि भाई हमने यहाँ से पॉइंट मार के, सूता मार के सीधा करना है इसको और यहाँ हमें जॉइंट देना है, ठीक है। तो हम शटरिंग लाएंगे तो यहाँ हम कुछ भी बैटन, प्लाई या फिलर बोर्ड यहाँ फिक्स कर देंगे और यहाँ से डावल्स निकाल देंगे, स्टील की डावल्स निकाल देंगे आगे फर्दर एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। इस टाइप से यहाँ स्टॉपर मार देंगे, ये हमारा पूरा सरिया बिछाएगा, ठीक है, ये हमारा स्टील आएगा और इस पार्ट को हम कास्ट कर देंगे, इस पार्ट को कास्ट कर देंगे। यहाँ के बाद फिर तैयार करेंगे, फिर इस पार्ट को कास्ट कर देंगे, फिर तैयार करेंगे, फिर इस पार्ट को कास्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये पहले से मालूम होता है, इस पर्पज से ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट दिया जाता है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जॉइंट मस्ट बी डिफाइंड इन ऑर्डर टू अलाउ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बोथ स्लैब, बोथ साइड ऑफ स्लैब। अब आगे हमने ये विकास कर दिया, यहाँ भी सरिया बांध के इसको विकास कर दिया, ठीक है, ये विकास कर दिया। अब यहाँ जॉइंट आ गया हमारा, ये जॉइंट्स आ गया हमारा, ठीक है। अभी दो पैनल हो गए, अभी दो पैनल हो गए तो यही पॉइंट है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन जॉइंट मस्ट बी डिफाइंड इन ऑर्डर टू अलाउ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बोथ साइड ऑफ द स्लैब। इस साइड का स्लैब लेफ्ट और राइट साइड का स्लैब, राइट साइड का स्लैब, इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट होना है, ठीक है ना। इस तरह से करना है, देना है इसको, इसमें डिस्प्लेसमेंट होना है। बट एट द सेम टाइम, उसी समय दे हैव टू ट्रांसफर द फ्लेक्सर स्ट्रेस। यहाँ पे जैसे लोड पड़ेगा तो यहाँ से फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ क्रिएट होगी, फ्लेक्सरल स्ट्रेसेस, ठीक है ना। फ्लेक्सरल स्ट्रेस प्रोड्यूस इन ए स्लैब, एक स्लैब के अंदर में, एक स्लैब के अंदर में फ्लेक्सरल स्ट्रेस क्रिएट होगी बाय एक्सटर्नल लोड। जैसे इस पर लोड पड़ेगा, ठीक है, जैसे लोड पड़ेगा इस पर और इस पर, तो इसमें फ्लेक्सरल स्ट्रेस क्रिएट होना चालू हो जाएगी, ठीक है। यहां भी फ्लेक्सरल स्ट्रेस
क्रिएट होना चालू जाए प्रोड्यूस इन द सेलर बाय द एक्सटर्नल लोड कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स मस्ट बी अलाउ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स जो है उसमें क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट राइट एंगल टू द जॉइंट्स। ये हमारा जॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है, हमारे जॉइंट्स है तो उस जॉइंट्स के ये जॉइंट्स होगा स्लैब में तो इस ये हमारा जॉइंट है इसके राइट एंगल पर, ठीक है, इसके राइट एंगल पर जॉइंट्स के राइट एंगल पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट मस्ट बी अलाउ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे, ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा राइट एंगल टू द जॉइंट्स, ये जॉइंट्स है जॉइंट्स के राइट एंगल पर, ठीक है, ये 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट इज नॉर्मली कॉज्ड बाय द थर्मल एक्सपेंशन मूवमेंट। जब भी इसके अंदर में सिलेक्ट के अंदर में थर्मल एक्सपेंशन होगा, हीट ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा क्रिएट होगी तो उस वक्त हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होना चालू हो जाएगा स्लैब के अंदर में, ठीक है ना। या कोल्ड विंटर होगा, कोल्ड होगा जहाँ पे कोल्ड एरिया है, जहाँ पे बहुत बर्फीले एरिया है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ श्रिंकेज होना चालू हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना, श्रिंकेज होना चालू हो जाएगा, ठीक है, श्रिंक होना चालू हो जाएगा। एट द सेम टाइम दे मस्ट नॉट अलाउ वर्टिकल और रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। उसी वक्त में इसमें जॉइंट में क्या नहीं होना चाहिए, वर्टिकल और रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। उसके हमारे दो एग्जांपल हैं, ये देखिए फिगर वन में ये हमारा वर्टिकल जॉइंट है, ठीक है, ये हमने इंडिकेट किया है वर्टिकल जॉइंट, ठीक है। अब वर्टिकल जॉइंट के ये रोटेशनल मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा ठीक है वर्टिकल जॉइंट है, इसमें राइट एंगल में हमारा मूव करना है, यानी राइट एंगल पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जब राइट एंगल पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो हमारा एक्सपेंशन होगा कॉन्ट्रक्शन होगा, ठीक है ना, तो दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स का डिफाइन डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है, कहाँ दिया जाता है, और फिगर के साथ हमने आपको समझाया, ठीक है दोस्तों, ये हमारा फिगर ओके है, ये गलत है, हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, रोटेशनल वर्टिकल या रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये हमारा वर्टिकल रोटेशनल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये कुछ फिगर्स हैं, इस टाइप से हमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो पहला है हमारा फर्स्ट ये है, अगर हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट छोड़ते हैं उसका नाम होता है बट टाइप कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ठीक है, इस जॉइंट का नाम है बट टाइप कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स। यह हम प्रीवेंट बॉन्ड लगा देंगे, उसके बाद कंटिन्यू हम कास्टिंग करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना, स्लैब का। ये है टंग्स एंड ग्रूव्स कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, टंग्स एंड ग्रूव, ये हमारा जो शेप है टंग्स एंड ग्रूव का, और ये जो स्लोप जा रहा है ये टेबल में जो है 1:4 का रेशियो होना चाहिए इसका, ठीक है ना, 1:4 का स्लोप होना चाहिए ये इस टंग्स का, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम टंग्स एंड ग्रूव कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, ठीक है। ये थर्ड है हमारा, ये सेकंड हो गया हमारा, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा बट टाइप कंस्ट्रक्शन जॉइंट विद डॉवल्स, इसमें हम डॉवल्स छोड़ देते हैं तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बट टाइप कंस्ट्रक्शन जॉइंट विद डॉवल्स। ये जो डॉवल है स्मूथ डॉवल्स बार कोटेड टू प्रिवेंट बॉन्ड, इसको प्रिवेंट बॉन्ड से कोटेड कर देते हैं, ठीक है ना, एक बॉन्ड है ये प्रिवेंट बॉन्ड, और यहाँ भी ये सब पूरे में भी प्रिवेंट बॉन्ड रहेगा, ठीक है, ये भी प्रिवेंट बॉन्ड है, इस पूरी लाइन में, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बट टाइप कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स विद डॉवल्स। एक है हमारा फोर्थ पार्ट, फोर्थ नंबर, बट टाइप कंस्ट्रक्शन जॉइंट विद टाई बार, जो टाई बार होती है जो हम जनरली रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, इस पर एक ग्रूव होते हैं डिफॉर्म टाई बार, तो उसको लगा के भी हम जब कास्टिंग करते हैं तो उसको हम बट टाइप कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स विद टाई बार्स। ये चार टाइप के कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हैं हमारे, कभी भी आपको यूज होंगे तो यही चार टाइप के होंगे, इसके अलावा कोई
टाइप का कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स नहीं है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इस पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा, और जब फील्ड में आप काम करोगे, क्योंकि कास्टिंग होती है, कंक्रीट स्ट्रक्चर बनता है, तो कोई भी इंजीनियर होता है, सुपरवाइजर होता है, उसको नहीं समझ में आता है कि कहाँ पे हम छोड़ा है, कैसे जॉइंट्स दें, तो ये सारे के सारे जॉइंट्स रहते हैं हमारे, वो तो ड्राइंग में भी दिए रखे होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए हमको कि ये चार टाइप के कंस्ट्रक्शन जॉइंट होते हैं। पहला है बट टाइप कंस्ट्रक्शन जॉइंट, दूसरा है टंग्स एंड ग्रूव्स कंस्ट्रक्शन जॉइंट, तीसरा है बट टाइप कंस्ट्रक्शन विद डॉवल्स, चौथा है बट टाइप कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स विद टाई बार्स, ये चार टाइप है, ठीक है। एक्सपेंशन जॉइंट्स, एक्सपेंशन जॉइंट द कॉन्क्रीट इज सब्जेक्ट टू वॉल्यूम चेंज ड्यू टू मैनी रीजन्स। एक्सपेंशन जॉइंट दोस्तों क्या होता है कि कई रीजनों से जो है ना वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। सो वी हैव टू कैटर फॉर दिस बाय वे ऑफ जॉइंट टू रिलीव द स्ट्रेस, इसलिए हम क्या करते हैं जॉइंट देते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं ताकि स्ट्रेस रिलीफ हो जाए, ठीक है। एक्सपेंशन इज द फंक्शन ऑफ लेंथ, ये लेंथ के अकॉर्डिंग काम करता है, फंक्शन जो करता है लेंथ में करता है, ठीक है। द बिल्डिंग लॉन्गर देन 45 मीटर आर जनरली प्रोवाइडेड विद वन और मोर एक्सपेंशन जॉइंट, अगर हमारी बिल्डिंग 45 मीटर से लंबी है, ज़्यादा है, तो उसमें क्या करना है, एक्सपेंशन जॉइंट देना है, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है ना, उसमें एक्सपेंशन जॉइंट देना है। इन इंडिया रिकमेंडेड सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 30 मीटर, इंडिया में क्या है दोस्तों कि जैसे बिल्डिंग 30 मीटर से ऊपर चली जाएगी, है ना, तो उसमें 30 मीटर पे एक जॉइंट दे देना है, अगर 50 मीटर है, 60 मीटर है, 60 मीटर में हमें दो जॉइंट्स दे देने, ठीक है ना, 90 मीटर पे तीन जॉइंट्स दे देना। तो अगर हमारी बिल्डिंग है, ये मान ली हमारी बिल्डिंग है, इसकी लेंथ बिल्डिंग की 90 मीटर है, ठीक है, इसकी बिल्डिंग लेंथ 90 मीटर, तो 30 मीटर पे एक जॉइंट देना है, फिर 30 मीटर पे एक जॉइंट देना है, ठीक है। तो ये तीन ब्लॉक बन जाएंगे, 1 2 3, तो दो जॉइंट इस 90 मीटर में दो जॉइंट्स आ जाएंगे 30 मीटर पे, ठीक है। ये 30 मीटर रहेगा, ये 30 मीटर रहेगा, ये 30 मीटर रहेगा, ठीक है ना, तो तीन स्पेसिंग बन जाएंगे इसकी, दो जॉइंट्स आ जाएंगे। तो जॉइंट्स आर फॉर्म बाय प्रोवाइडिंग ए गैप बिटवीन द बिल्डिंग पार्ट्स, इसलिए जो है जॉइंट जो है फॉर्म किए जाते हैं बाय प्रोवाइडिंग ए गैप, इसमें गैप भी होना चाहिए, इसमें गैप होना चाहिए बिटवीन द बिल्डिंग पार्ट्स, ये बिल्डिंग एक पार्ट की होगी, बिल्डिंग का एक हो गया, एक हो गया, तो इनमें गैप देके एक्सपेंशन जॉइंट्स देते हैं। तो ये दो जॉइंट्स हो गए दोस्तों, एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट और एक एक्सपेंशन जॉइंट्स, ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करें प्लीज़, ठीक है। अगले दो जॉइंट्स कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट एंड आइसोलेशन जॉइंट्स मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा, आप बने रहिए वीडियो में, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।